आईडी नंबर मिल गया आपकी वो पूरा एड्रेस आईडी दे दो क्या नंबर की एड्रेस आईडी नहीं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के लगवाई है गाड़ी को वो एकदम से आ जाओ वो स्कैन कर रहा हूं ना फ्रंट लाइन में फ्रंट लाइन में आने के लिए फ्रंट लाइन में नंबर और कैसे आ जाएगा अगर भाई यदि ये मानो आपके पास मैसेज ना आए कल तक संपर्क कर लियो ब्रो नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के अंबेडकर भवन में आज वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। तो वैक्सीनेशन जो कैंप लगाया गया, प्रधान जी और सतबीर जी ने सभी ने मिलकर, जो अंबेडकर संस्था है सभी ने मिलकर ये जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, इनसे बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज जिस प्रकार से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है सर? पहले आपका यहाँ प्रधानमंत्री पर हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद दिए सर। जैसे आज कोविड 19 को देखते हुए बीमारी काफ़ी फैल रही है, पीछे मतलब इस स्टेज पर स्टेज पर क्या ना डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं और आगे थर्ड स्टेज की भी संभावना जैसे मतलब पता चल रहा है, तो उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि हमारे अम्बेडकर भवन में भी क्यों ना एक कैंप लगाया जाए, ताकि हमारे मतलब जो भी आड़ा दवाड़ा के जो भी है तो इसका लाभ उठा सके। ठीक है जी, और इस बीमारी से बच जाए। ठीक है सतबीर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज वैक्सीनेशन कैंप जो लगाया गया है अम्बेडकर भवन में आज? सर, सबसे पहले तो आपका अम्बेडकर भवन छात्रावास नरवाड़ा में स्वागत है। अच्छा जी, आज सुबह 10 बजे से ये वैक्सीन का कैंप लगाया जा रहा है और इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा हमारे जो साथी हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। आज जो पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी ये चल रही है, इसके बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूरी है और मेरा सभी से अनुरोध है ये कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और इस जो महामारी चल रही है इससे बचें। जो आम पब्लिक है उसको क्या संदेश देना चाहोगे कोविड के लिए? सबसे पहले तो जो आपका मेडिकल भवन में स्वागत है। हाँ जी, आपके चैनल का, जैसा आप जानते हैं देश में महामारी फैली हुई है, इसी वजह से हमने विचार किया कि क्यों ना हमारे बाबा साहब के मंदिर में दरबार में या एक कैंप लगाया जाए ताकि लोग बीमारी छुटकारा पा सकें। और संदेश क्या देना चाहोगे आम पब्लिक को जी कोविड के से? संदेश तो यही कहते हैं हम तो कि भाई सभी लगवाओ, अपना शरीर जरूरी है, जो शरीर नहीं होगा फिर कुछ भी नहीं है।